महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, दिग्गज हैं भारतीय क्रिकेट के, तो वो कोर्ट उनको जाना पड़ा। वो कह रहे हैं अपने इसमें कि आपकी कंपनी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है 15 करोड़ रुपए की। मेरे थ्रू ही डील आई थी कि जी एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी खोल सकते हैं क्या, और डील वैल्यू काफी बड़ा था, 10-12 करोड़ का कुछ डील था एग्जैक्टली। मैं वो एग्रीमेंट मेरे पास है, मैं शेयर भी कर दूंगा। तो उस डील में से एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी का कंडीशन था, तो एमएस धोनी ने बोला कि ये डील कर रहे हो और एकेडमी भी खोलना है, तो आप एमएस धोनी एकेडमी आप रन कर दो, क्योंकि आप खेले भी हो। आप देख सकते हैं ये एमएस धोनी के लेटर हेड पे है और ये नीचे एमएस धोनी साइन है। एमएस धोनी जो ऑटोग्राफ करते हैं वो अलग साइन होते हैं, जो डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं वो अलग साइन करते हैं। तो न्यूज 18 देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इन दिनों चर्चा में है महेंद्र सिंह धोनी। जी हां, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने एक मामला दर्ज कराया है रांची में आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के खिलाफ। मिहिर दिवाकर है उस कंपनी के डायरेक्टर, और ये कहा है कि उनको 15 करोड़ या उससे ज्यादा का नुकसान हुआ है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तमाम चर्चाओं का दौर जारी है। तो आखिर ये मामला है क्या? महेंद्र सिंह धोनी ने जिनके खिलाफ आरोप लगाए, हमारे साथ वो मौजूद हैं, आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के डायरेक्टर मिहिर दिवाकर। मिहिर दिवाकर रणजी क्रिकेटर रह चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त भी हैं, उनके साथ अंडर-19 क्रिकेट खेल चुके हैं। तो तमाम जो आरोप महेंद्र सिंह धोनी ने लगाए हैं, रांची कोर्ट में मामला भी दर्ज कराया है, आज वो सच्चाई जानने के लिए क्या उनका कहना है हमारे साथ मौजूद है। मिहिर जी स्वागत है आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। मिहिर जी, महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं कि आपकी कंपनी ने 15 करोड़ से ज्यादा का धोखाधड़ी की है, उनको नुकसान पहुंचाया है, और रांची में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला जो है वो दर्ज किया गया है, 420, 120 भी तमाम एलिगेशन है। आखिर ऐसा क्या हो गया, 15 करोड़ का नुकसान महेंद्र सिंह धोनी को? जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तो मीडिया के थ्रू जो आया, जो खबर आया, मैं वो देख के बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गया कि ये चीजें आई कहाँ से। और ये जितने भी आरोप लगाए हैं जो मैंने मीडिया के थ्रू देखा है, ये सारे बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ है, इनमें कोई कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ चीजें ऐसे है कि मुझे बदनाम करने के लिए और मेरा मेरा जो सामाजिक नुकसान करने के लिए, आर्थिक नुकसान करने के लिए किया गया है। नहीं, आप तो दोनों इकट्ठे खेले हैं अंडर-19 से, रणजी खेले हैं, और आखिर महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, दिग्गज हैं भारतीय क्रिकेट के, तो वो कोर्ट उनको जाना पड़ा। वो कह रहे हैं अपने उसमें कि आपकी कंपनी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है 15 करोड़ रुपए की, कुछ समझौता था स्पोर्ट्स क्रिकेट अकेडमी खोलने का। जी, मैं एम एस धोनी को बहुत पहले से जानता हूँ, लगभग 26-27 साल हो गए होंगे उनको जानते हुए। हमने अंडर-19 क्रिकेट साथ ही खेला, उसके बाद फिर मैं अंडर-19 इंडिया वर्ल्ड कप भी मैं था, जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे 2000 में श्रीलंका में, जिसे कप्तान मोहम्मद कैफ थे। उसके जी बाद रणजी ट्रॉफी भी साथ खेली है, और साथ खेलना एक अलग होता है। जब तक हम झारखंड के लिए खेल रहे थे तो हम लोग रूम पार्टनर ही हुआ करते थे, तो कोई टीममेट नहीं, बिल्कुल करीबी दोस्त वाला था हमारा। जी उसके बाद फिर वो क्रिकेट में फिर वो इंडिया खेलने लगे, वहां चले गए। फिर मैं 2016 से ये चीजें चालू हुई, जब उन्होंने बोला कि ये क्रिकेट एकेडमी खोलना है। उससे पहले मैं अपनी क्रिकेट एकेडमी चला रहा था, मैं आरका क्रिकेट एकेडमी चला रहा था, दो दो सेंटर चला रहे थे। तो उसके बाद कुछ मेरे थ्रू ही डील आई थी कि जी एम एस धोनी क्रिकेट एकेडमी खोल सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोले मीर ठीक जी, है आप ये खोल। मैं यहाँ रोकूंगा। ये शुरुआत हुई 2017 से, आप कह रहे हैं प्रपोजल सोलह आप सोलह लेके में गए 16 से, प्रपोजल आपकी तरफ से गया था या उनकी तरफ से आया था? जी, तो मैं ये ब्रीफ आपको कर देता हूँ कि दुबई की एक कंपनी ने अप्रोच किया था एंडोर्समेंट के लिए, कोई रियल स्टेट कंपनी थी वहां पे। तो उनके उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन था कि इंडोर्समेंट भी करेंगे और एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी भी ओपन करेंगे, और डील वैल्यू काफी बड़ा था, 10-12 करोड़ का कुछ डील था एग्जैक्टली। मैं वो एग्रीमेंट मेरे पास है, मैं शेयर भी कर दूंगा। तो उस डील में से एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी का कंडीशन था, तो एमएस धोनी ने बोला कि ये डील कर रहे हो और एकेडमी भी खोलना है, तो आप एमएस धोनी एकेडमी आप रन कर दो, क्योंकि आप खेले भी हो।
और मैं लेवल 2 इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से सर्टिफाइड कोच भी था, तो उनको लगा कि शायद आप मेरे पे, उनमें भरोसा दिखाया और बोले कि आप उसको चला लो, तो वहां से मैं जूनियर क्रिकेट अकेडमी चला। ये 2017 की बात, 16-17 की बात आप कह रहे हैं। जी, 17। तो जो उस समय कोई समझौता हुआ होगा, क्योंकि एग्रीमेंट होता है, क्योंकि ये चीजें कागजी होती हैं, रिटन एग्रीमेंट्स होते हैं, तो क्या आपके जी पास कुछ तो डॉक्यूमेंट होंगे जिसमें कुछ शर्तें हुई होंगी, प्रॉफिट कितना रहा होगा, कौन कितना शेयर रखेगा, किस तरह से सारी अकेडमीज चलेंगी, कुछ तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेड होगा ना उसमें, होगा ना उसमें। जी डॉक्यूमेंट उसमें मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि सिंस दुबई में डील हो रही थी, तो वो क्लाइंट ने मुझे डिमांड किया कि आप एमएस धोनी के लिए डील करेंगे, चाहे एकेडमी खोलेंगे, तो मुझे एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा एमएस धोनी से, वैलिडेट करने के लिए आप राइट पर्सन हैं जिसे हम बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एम एस धोनी ने एक ऑथराइजेशन लेटर मेरे नाम पे इशू किया था कि आप एम एस धोनी क्रिकेट एकेडमी चला सकते हैं। उसके बाद वो एकेडमी खुल गई, उसके बाद मीडिया में आ गया, एम एस धोनी ने जाके उसको लॉन्च भी किया, तो मीडिया में आ गया, एम एस धोनी एकेडमी लॉन्च भी हो गई, तो इंडिया से बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि मुझे एकेडमी खोलना है, तो फिर वो सिलसिला इंडिया में भी चलने लग गया। तो फिर मैंने उनको बोला कि एक ऑथराइजेशन के बेस पे ये चीजें बड़ी होगी, और मेरा टारगेट था कि मैं मुझे 100 एकेडमी करनी है लॉन्ग रन में, तो बोले कि एक अंडरस्टैंडिंग अपने बीच में होनी चाहिए कि ये एकेडमी किस टर्म्स एंड कंडीशन में चलेगी, कल के दिन में कुछ अगर होता है तो आपको भी पता होना चाहिए और मुझे भी पता है, मुझे भी पता होना चाहिए कि मुझे कितना क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, और आपको भी पता होना चाहिए। जी वो मैंने उनको बहुत तक फॉलो अप किया कि मुझे एग्रीमेंट आप दे दीजिए, मैं साइन करके आपको दे दूंगा, जो कंडीशंस आपको डालना है आपके हिसाब से डालो, तो मैं हर चीज के लिए एग्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो कंडीशंस उन्होंने डालते गए, तो फिर मैंने एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके अपने लॉयर से ड्राफ्ट करके उनको भेजा कि ठीक है आप नहीं ड्राफ्ट करके दे रहे हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी टीम जो भी है, तो मैंने वो एग्रीमेंट वापस उनको ड्राफ्ट करके मेल किया। जी लेकिन वो एग्रीमेंट मेल किया, फिर मैंने फॉलो अप किया, लेकिन कोई एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ है आज तक। एकेडमी हम मैं एकेडमी नहीं कर रहा हूँ, इंडोर्समेंट की भी मैं बात कर रहा हूँ। इंडोर्समेंट में तो मेरे पास ऑथराइजेशन भी नहीं था, उन्होंने कभी ऑथराइजेशन भी नहीं दिया कि आप इंडोर्समेंट के लिए किसी को, लेकिन मैंने कम से कम इनको 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस दिया है, अपने जो 4-5 साल का जो टेन्योर था, 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस इंडोर्समेंट में दिया है, लेकिन बिना एग्रीमेंट का और बिना नहीं, तो ऑथराइजेशन। आप कह रहे हैं कि आप एमएस धोनी के लिए एंडोर्समेंट डील आते थे और धोनी वो एंडोर्समेंट करते थे, तो मतलब म्यूचुअल पे ही सब कुछ चल रहा था, कागज में कुछ नहीं था, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि मैंने उनको बहुत बार बोला, और इवन स्कूल खुला, एमएस धोनी ग्लोबल स्कूल खुला, उसका भी एग्रीमेंट मैंने दिया कि आप साइन कर दो कि ये चीजें जाएंगी, और एक पीस ऑफ माइंड भी रहता है कि एक एग्रीमेंट साइंड है। तो लेकिन किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट, जो भी हमने काम किया, कोई एग्रीमेंट उन्होंने साइन मेरे से किया ही नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आप, मैं एक समझना चाहता हूँ, बड़े सिंपल सी चीज है, आपके पास कोई ऐड लेके आया कि हम एमएस धोनी से ऐड कराना चाहते हैं या उनको ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, आपने वो डील एमएस धोनी को बता दी कि ये डील है जी, ये कंपनी है, ये सब कुछ है, और धोनी वो डील कर देते हैं, वो एंडोर्समेंट हो जाती है। जी, होता क्या है कि इन्होंने बोला कि आपके पास कोई डील आएगा तो मुझे आपको व्हाट्सअप करने है, कंफर्म कर लेना, तो मैं आपको कुछ चीजें होगा तो मैं बता दूंगा, जो वैल्यू अगर ऊपर नीचे है, जो कंडीशंस होते हैं, कितने, जो भी उसके टेक्निकल चीजें होती हैं वो, और वहां से वो कंफर्म करते थे, फिर हम लोग कंपनी के साथ जो साइन होता था एग्रीमेंट, वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन होता था, जिसमें मैं साइन करता था, धोनी साइन करते थे और कंपनी साइन करती थी, लेकिन उसके पीछे धोनी और मेरा और मेरी कंपनी का कोई एग्रीमेंट उन्होंने साइन ही नहीं किया। तो ये जो अब मामला सामने आया है कि धोनी को आखिर कोर्ट क्यों जाना पड़ा, वो जो एकेडमी की बात कर रहे हैं कि 15 करोड़ का उनको नुकसान हुआ, आप पे एलिगेशन है काफी गंभीर, और जी इसके अलावा अहमदाबाद की बात करें या एक दो जगह और, साउथ तमिलनाडु की बात करें, चेन्नई की बात करें, वहां से भी आपके खिलाफ शिकायतें हैं, समन है, तो ये जी आखिर शुरुआत कहाँ से हुई? एक दोस्त थी, इतने अच्छे दोस्त इकट्ठा खेले, तो आपके ही दोस्त को कोर्ट जाना पड़ा आपके खिलाफ। मैं आपको वो बताता हूं कि एक कंपनी है नियो ग्लोबल उपज वर्धक के नाम से, एक फर्टिलाइजर कंपनी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कंपनी,
जिसके लिए इंडोर्समेंट के लिए मेरे पास डील आया था, मैंने एमएस धोनी को बताया और अग्री हो गए, क्योंकि वो स्टार्टअप कंपनी थी और वो इक्विटी पे उसकी डील हुई थी, जिसमें एमएस धोनी को 20% का इक्विटी मिला था। तो उसमें उसमें क्या है कि कंपनी ने मुझे भी अटैच किया, इंगेज किया एज ए डायरेक्टर, और मुझे भी एक मिनिमम सा एक इक्विटी मुझे दिया था फॉर द डील। तो ये सब चीजें ठीक चल रही थी। तो मुझे 2022 2022 अप्रैल या मई का बात है, मुझे आरओसी से एक मेल आया कि जी आपको डायरेक्टरशिप से हटा दिया गया है। तो मैंने बोला कि मैंने तो रिजाइन किया नहीं है, तो हटा दिया। तो मैंने अपने सीएस को बोला कि आप जरा चेक करें कि ये क्या हुआ है। तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स निकाले, तो जो मेरे रेजिग्नेशन लेटर था उसमें मेरे साइन फॉर्ज किए हुए थे, नकली साइन करके मुझे डायरेक्टरशिप से निकाला गया था। तो वो आरओसी से वो डॉक्यूमेंट्स निकल गए। वो डॉक्यूमेंट्स मैंने एमएस धोनी को मैंने भेज दिया कि मेरे साथ ये हुआ है। और जो एजीएम हुआ था उस कंपनी का, बोर्ड मीटिंग हुआ था, तो वो बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आ गया था कि वो बोर्ड मीटिंग में जब एमएस धोनी के एक रिप्रेजेंटेटिव आके कहते हैं कि मिहिर दिवाकर को डायरेक्टरशिप से निकाल दो, और एमएस धोनी ने ऑलरेडी मेल कर दिया है और एमएस धोनी ने आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि हमें मिहिर दिवाकर को हटाना है। जब ये सारे रिकॉर्डिंग और सारे मैंने डॉक्यूमेंट जब एमएस धोनी को दिए, तो उसके बाद से ना उन्होंने मेरे से कुछ बात की, और उसके बाद से चीजें अलग डायरेक्शन में चली गई। तो आप ये कह रहे हैं कि ये अचानक से उनको आपको एक जो आप बता रहे हैं कंपनी वहां से आपको हटा दिया गया, आपने धोनी को व्हाट्सएप किए, और इस पर्टिकुलर मैं इस केस की बात करूंगा कि आपकी कंपनी जो आरका स्पोर्ट्स है उसका और एमएस धोनी की जो क्रिकेट एकेडमी खोलने का एक टाई अप की जो बात कर रहे हैं कि आपने 15 करोड़ का जो नुकसान वो बता रहे जी हैं, तो वो भी क्या कोई डील कागज में कभी नहीं हुई या आपके पास कोई लेटर नहीं था? और जो बाकी जो अहमदाबाद की बात करें या कंपनी चेन्नई मैं दिखा देता हूँ। एक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, जो सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट है पूरे एकेडमी चलाने के लिए और ग्लोबल एकेडमी चलाने के लिए मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है आप देख सकते हैं, ये एमएस धोनी के लेटर हेड पे है और ये जी नीचे एमएस धोनी साइन है। एमएस धोनी जो ऑटोग्राफ करते हैं वो अलग साइन होते हैं, जो डॉक्यूमेंट में साइन करते हैं वो अलग साइन करते हैं। तो ये उनका, और पूरे सब कुछ के लिए मेरे पास सिर्फ एक सिंगल पेज का एक ये पेपर है, जी और ये पेपर मैं आपको भेज भी दूंगा तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। यही यही मेरे पास एक सिंगल पेपर है बस पूरे एकेडमी के लिए। मैंने जितने एग्रीमेंट के लिए मैंने उनको बोला, मैंने दिया, उन्होंने साइन करके मुझे दिए नहीं। कितनी अकेडमीज खुली इस एग्रीमेंट जो आपको एक पेज आप दिखा रहे हैं मुझे इसके अकॉर्डिंग कितनी खोलनी अकेडमी खोलनी थी? और जो 15 करोड़ का नुकसान आखिर वो कह रहे हैं वो फिर ऐसा देखिए बड़े खिलाड़ी हैं वो अगर 15 करोड़ कह रहे हैं या उनके पास भी डॉक्यूमेंट होंगे, देखिए हालांकि उनकी टीम से हम जी बात जी करेंगे उनका भी पक्ष जानेंगे, जी जी तो ये दिक्कत शुरू कहाँ से हुई? कितनी अकेडमीज खोलनी थी, कहाँ पे अकेडमीज हैं अभी चल रही हैं? मैंने उनको जो हमारी बात हुई थी, तो मैंने उनको बोला था कि हमें 100 एकेडमी खोलने हैं जी और हम 50 एकेडमी पहुंच चुके थे साइन साइन करके ऑन पेपर, 50 पे चल गए पहुंच गए थे, और 15 से 20 एकेडमीज ऑपरेशनल हो गई थी। जी तो 100 एकेडमी मुझे खोलना इसलिए था कि जो 15 20 एकेडमी जो पहले चल रही थी, तो यहाँ पे ये एकेडमी प्रॉफिट पे नहीं थी, क्योंकि इनिशियली हमको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा था हर चीजों में, मार्केटिंग में करना पड़ रहा था, अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो एम्प्लॉयज थे, सेल्स की टीम थी। तो मुझे था कि मैंने उनको बोला था कि ये 50 एकेडमी जिस दिन ऑपरेशनल हो जाएगी उसी दिन ये एकेडमी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और मेरा टारगेट था कि मैं 100 एकेडमी इंडिया में खोलूंगा और उसके बाद फिर, अच्छा इंडिया के बाहर भी एकेडमी खुली, सिंगापुर में खुली, दुबई में खुली, आपके कतर में खुली, इंडिया में आप लगा लें तो आपके अमृतसर, श्रीनगर, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, फिर इंदौर, मतलब काफी जगह खुली थी। साउथ में फिर आप चले अहमदाबाद था, हैदराबाद था, आपको छत्तीसगढ़ में था, बहुत बहुत सारी जगह एकेडमी ऑपरेशनल हो गई थी। जी तो ये चीजें जब आई कि इस, अच्छा अभी 15 करोड़ की बात कर रहे हैं कि 15 करोड़ का लॉस हुआ है, तो 15 करोड़ का लॉस तो एकेडमी अगर प्रॉफिटेबल होती, क्योंकि मैं इनको टाइम टू टाइम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी मैं शेयर करता था,
ओके तीसरी अकेडमी खुली, ये अकेडमी से ये रेवेन्यू आया, ये हमारे जी एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। दो 2017 में पहला साइन हुआ, 18-19, 3 साल, और उसके बाद कोविड का पीरियड आया, जी 2 साल कोविड का पीरियड आया। और इस कोविड के पीरियड में इन लोग का एक्सपेक्टेशन हमको, मुझे पता नहीं था। और इस बीच में ऐसा नहीं कि मैंने पैसे नहीं दिए एमएस धोनी को, क्रिकेट अकेडमी के नाम पे, क्रिकेट अकेडमी के नाम पे हमने 1 करोड़ रुपया से ज्यादा उनको पैसा दिया है। जब क्रिकेट एकेडमी लॉस में है, उसके बाद भी हमने 1 करोड़ रुपया उनको दिया हुआ है। टोटल आपने टोटल आपकी तरफ से कितना पैसा गया? मेरे मेरे कंपनी से 50 लाख गया है, और 50 लाख जो गया है वो डायरेक्टली एक पार्टनर ने उनको पे किया है। ओके okay. जी, तो आप और कह रहे हैं कि अभी जो जी 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 अभी जी पीछे वो अहमदाबाद और तमिलनाडु का जहां पे केस की बात चल रही थी, तो मैं वो जी भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। अहमदाबाद में जो एकेडमी साइन हुई थी 2020 में साइन हुई थी, जी 2020 से एकेडमी चल रही थी, और उनको उन्होंने अभी मेरे पे एक केस किया है। और जो तमिलनाडु में जो हुआ है वो है एमएस धोनी ग्लोबल स्कूल, उसकी भी मैं ब्रीफ स्टोरी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो चीजें क्या है। 2016-17 से ही प्लान था कि स्कूल खोलना है। उनके पास एक 40 एकड़ का लैंड है रांची में, जहां पे आजकल आप सुनते हैं कि वो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। उस लैंड को उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ क्या हम कोई स्कूल या स्पोर्ट्स स्कूल प्लान कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, देखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं पैसा इन्वेस्ट 1 रुपया नहीं करूंगा, इन्वेस्टर लेके आओ, कॉन्सेप्ट लेके आओ और इसको आप स्टैब्लिश करो। मैंने ठीक है। तो उसमें हमने हमने एजेंस, क्योंकि हमारा एक्सपर्टीज स्पोर्ट क्रिकेट है, क्रिकेट में जाते हैं स्कूल चलाने का हमारा एक्सपर्टीज, तो उसमें हमने काफी सारी एजेंसियां एंगेज की ताकि हमें एक्चुअली, और टीम जाके रांची में रिसर्च भी की, 15 दिन रह के सारा कुछ करके उन्होंने रिपोर्ट भी दिया, और रिपोर्ट भी मैंने इनको दिया है। और उसके बाद फिर उसी बीच में जो क्रिकेट एकेडमी का हमारा चल रहा था, तो उसी क्रिकेट एकेडमी में ये बैंगलोर के होसूर के जो लोग हैं वो लोग क्रिकेट एकेडमी के लिए अप्रोच किया था उन्होंने। तो उनको हमने बताया कि जी क्रिकेट एकेडमी तो है ही है, हम लोग स्कूल भी कर रहे हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे स्कूल में तो स्कूल भी हम कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग अग्री है। तो मैंने इनको बताया कि ऐसा ऐसा है, स्कूल का आ रहा है, सारे कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन, फाइनेंशियल सब कुछ ओके हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया। मैंने इनको एग्रीमेंट भी दे दिया, भेज दिया अप्रूवल के लिए जी एमएस धोनी को स्कूल का, और अप्रूवल ओके भी उन्होंने कर दिया कि हाँ ठीक है अब जाओ। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि एमएस धोनी से मुझे मिलना है ताकि उनके मुझे समझ में आए कि एमएस धोनी का क्या विजन है स्कूल पे। मैं बोला कि नहीं, आपको मिलना ही चाहिए क्योंकि ये आ रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आपको मिलना ही चाहिए। तो 2019 में यहाँ पे दिल्ली में थे एम एस धोनी, मैं एग्जैक्टली नहीं ये बता पा रहा हूँ, एक शूट था, मास्टर कार्ड का शूट था दिल्ली में, जो इसको हम लोग मैनेज कर रहे थे। तो मैंने बोला कि ठीक है धोनी जी दिल्ली में है, आप आ जाइए, यहाँ सामने सामने बात भी हो जाएगी, सामने सामने एग्रीमेंट भी साइन कर लेंगे। तो बोले ठीक है। तो वो लोग आए, बात हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गया, सब कुछ हो गया। स्कूल का ऑथराइजेशन भी मैंने धोनी जी को बोला कि ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये ऑथराइजेशन मैं आपको भेज रहा हूँ, मुझे साइन करके दे दीजिए। उन्होंने वो चीजें नहीं दी बोले, और मैं भी बिल्कुल ऐसा था कि हाँ ठीक है, एम एस धोनी के सामने है, सब कुछ है, सामने सामने सारे इमेजेज है, फोटोज हैं, फोटोज, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वो फोटोज नहीं है, वो एग्रीमेंट के साथ एम एस धोनी का फोटो है, उनके साथ फोटो है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अभी हो गया, सब कुछ हो गया, अब ब्रोशर लॉन्च करना है, तो मुझे एमएस धोनी से मिलना है। तब कोविड आ गया था और हम लोग थे मुंबई में किसी शूट के में थे, तो ताज लैंडचिंग में हम लोग थे, तो वहां पे उनको बुलाया, वहां पे उन्होंने ब्रोशर को लॉन्च किया, उन्होंने फोटो भी सर्कुलेट किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब ये न्यू ग्लोबल का, जब मैं बता रहा हूँ जहां से चीजें थोड़ी सी बदलने लग गई, तो उसके बाद मेरे पास एक वहां से नोटिस आता है हुसूर से कि जी आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है स्कूल का, आप लीगली स्कूल नहीं खोल सकते हैं, आप मुझे ऑथराइजेशन दीजिए।
उसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दिया, होसूर में। मीडिया में मैं देख रहा था कि वो आया है कि वहां से कंप्लेन जो आया, मैं वहां कभी गया ही नहीं, ऐसी चीजें कुछ नहीं आ रही थी। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि जब एग्रीमेंट आपने एमएस धोनी को मिलवाया उनसे, जिन्होंने स्कूल खोलना था, और वो आपने कहा कि एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया साइन, जी तो नोटिस आपको किस लिए? क्योंकि दोनों पार्टी के बीच तो हो गया है। तो यही तो अभी इशू ये है कि जब सब कुछ एग्रीड है तो ये चीजें क्यों, कि अगर मान लीजिए 15 करोड़ का मैंने लॉस किया है तो वो चीजें मुझे बतानी चाहिए कि आपके लॉस हुआ है। मैं इनको पिछले 1 साल 1.5 साल से अप्रोच कर रहा हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। अगर मैंने लॉस कराया है, मैंने मैंने फ्रॉड किया, मैंने चोरी किया है, तो आप उसको लीगली जाके पुलिस को बताओ, लीगली जाओ लीगली। लेकिन लीगली जाने से वो पर्पस नहीं है कि लीगली जाएंगे तो इनके पास उतने इनफ पेपर्स नहीं है, तो इनका पर्पस वो नहीं है, मुझे बदनाम करना पर्पस है। तो मीडिया ट्रायल इन्होंने पहले कर दिया और लीगली दिखा के उन्होंने मीडिया ट्रायल कर लिया, तो ये उनको फोन करके उनको बोला है। अच्छा, मैं इसलिए आपको बता रहा था कि वो स्टोरी मैं बता देता था। तो ये मुझे पता चला कि जब वहां से मेरे पास नोटिस आया पुलिस स्टेशन से कि आपको जी प्रेजेंट होना है इस डेट को, हाँ मतलब ठीक है जी, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी था सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लेके जी मैं चला गया वहां पे। मैंने उनको सब कुछ दिखाया, ये कर दिया, हाँ ठीक है जी आप जाइए, कोई बात नहीं, जो जैसा होगा बता देंगे। वहां पे मुझे पता चला कि एमएस धोनी की टीम इन पे प्रेशर बना रही है कि ये केस रजिस्टर करो। एमएस धोनी की टीम, इन्होंने कभी नहीं बोला कि जो जिन्होंने कंप्लेन, क्योंकि एमएस धोनी ही नहीं, वो उनको लोकल पार्टनर प्रेशर करके कंप्लेन करवाया। फिर मैं आ गया, मैं पिछले महीने मेरे पास नोटिस आया कि जी आपने जो पेपर जमा किए थे 6 महीने पहले जी वो एनफ नहीं है और एमएस धोनी की टीम इसको वैलिडेट नहीं कर रही है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उसके बाद भी और पेपर उनको मेल पे भेज दिया। मैं बोला कि मैं मेरा थोड़ा हेल्थ अभी ठीक नहीं है तो मैं अभी ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं थोड़ा सा जैसे होता हूँ मैं ट्रैवल करता हूँ, तब तक ये चीजें यहाँ आ गई। ये हो गया हुसूर का। और अहमदाबाद का क्या है, अहमदाबाद का मैंने बता दिया कि 2020 में साइन हुआ था, उसको जानबूझ के इन्होंने मुझे परेशान करने के लिए और मुझे ये करने के लिए उन्होंने वहां भी FIR नहीं, करवा आप दिया। ये कह रहे हैं कि आपको परेशान करने के लिए आपको टारगेट, आखिर ऐसा क्यों? एमएस धोनी आपके दोस्त रहे हैं, वो एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं, बिजनेस भी अच्छी तरह समझते हैं, जी कमर्शियल भी जी सभी एंगल सभी बड़े बड़े प्लेयर्स अपने करते हैं डील, तो आपको क्यों, ऐसा क्या कारण है, आपको क्यों, आपको क्यों? तो ये भी मेरे लिए एक वो मिस्ट्री सा ही है कि एमएस धोनी को मुझे बदनाम करके एमएस धोनी को मिलेगा क्या? एमएस धोनी को इतने बड़े प्लेयर हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको मुझे बदनाम करके। और ऐसी चीजें मैं आपको बताता हूं कि ये लोग उस समय के बाद क्या करने लग गए कि जितने पार्टनर्स थे, पार्टनर्स तो आप छोड़ दो, मेरे एम्प्लॉय को फोन करके वो लोग ये कहते कि आरका स्पोर्ट्स में तुम काम करोगे तो तुम पे लीगल केस होगा, तुम आरका स्पोर्ट्स छोड़ दो। मैंने उस वो भी मेल एमएस धोनी को किया है कि तुम्हारे यहां से फोन आ रहा है, ये गलत बात है मेरे एम्प्लॉयज को परेशान करने का। मैं वो सारे मेल पे है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, बोले कि ये गलत। उसके बाद पार्टनर्स को फोन करके अभी पिछले 1 साल से मैंने बोला कि मैं आरका स्पोर्ट्स एकेडमी चलाता था, मैं आरका स्पोर्ट्स एकेडमी ही चलाऊंगा, तो उसके उसके भी मेरे 4-5 अभी सेंटर्स हैं ऑलरेडी हैं जो मैं चला रहा हूं अभी। तो उन पार्टनर्स को फोन करके इन लोग कहते हैं कि जी आप आरका स्पोर्ट्स के साथ आप काम मत करो, नहीं तो एमएस धोनी आप पे भी केस कर देंगे। तो कुछ लोगों का मेरे पास कंसर्न मेल आया कि ऐसा ऐसा मेल आ रहा है, उन्होंने कि आरका स्पोर्ट्स हम एमएस धोनी एकेडमी चला रहे हैं, थोड़ी ना कि उनपे आप पे केस करेंगे, आप तो आरका स्पोर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें ये ऐसी चीजें हैं वो मुझे तो मेरे समझ से तो परे है कि वो ऐसा करने का क्या। नहीं तो अब फाइनली रांची में जो आपके खिलाफ है मामला, उसपे आपको नोटिस भी आ चुका है, तो अब आगे क्या देखते हैं आप? और आपकी आखिरी बात नहीं आया धोनी है, से कब? नोटिस नहीं आया है, नोटिस नहीं आया। मैं आपको बता देता हूं क्या है, इन्होंने केस फाइल किया है अक्टूबर में, उसकी एक हियरिंग और थी नवंबर में, उसकी तीसरी हियरिंग थी अभी 5 तारीख को,
अभी तक केस फाइल नहीं हुआ है जितना मुझे जानकारी है। इन्होंने दिया है 5 तारीख को हियरिंग है, अगली हियरिंग इनकी है 20 तारीख को। उसके बाद अगर केस फाइल होता है तब मेरे पास नोटिस आएगा। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, मुझे मीडिया से पता चला है उमेश जी, मेरे पास कोई भी ना कोर्ट से ना कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपकी लास्ट बात कब हुई थी एमएस धोनी से, और कुछ आपको आपने कोई क्योंकि समझाइश आप दोनों इकट्ठे खेले, दोस्ती रही है, ठीक है, अगर कोई मामला बिगड़ा, आप कह रहे हैं कि 15 करोड़ का लॉस वो कह रहे हैं कि हुआ है आपकी वजह से, तो कोई आपकी लास्ट बात कब हुई, कोई आपने बात की हो? ये नियो ग्लोबल का जो मेरा फॉर्ड साइन करके जो मुझे रिजाइन कराया गया, वो जब मैंने डॉक्यूमेंट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग इनको भेजी थी, उसके बाद से मेरी बात नहीं हुई। कब कब की बात है ये? ये हो गया होगा 1 साल, 1 साल हो गया होगा तकरीबन। आपकी हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, उसमें आपने कहा कि मैंने 15 करोड़ का जो नुकसान धोनी कह रहे हैं वो नहीं हुआ, उल्टा आपने धोनी से पैसे लेने, ये आपकी बिल्कुल। एक मैं स्टेटमेंट आपने तो जो पढ़ा मैं है। इंडोर्समेंट की बात कर मैं इंडोर्समेंट की बात कर रहा था कि जो इंडोर्समेंट मैं करता था तो उसके उसके अगेंस्ट में मुझे एक पैसा मिलता था जो मैनेज करने के लिए ब्रांड। तो मेरे जो पैसे बाकी, मैं अकाउंट्स में, मैं ऑफिस में था, चेक कर रहा था, तो वो 5 करोड़ नहीं, 6 करोड़ 10 या 15 लाख रुपया जो मेरे धोनी पे निकलते हैं, जो उन्होंने, और मैंने मेल में भी उनको बोला कि अच्छा, मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं धोनी के बारे में मैं बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा कि धोनी इतने बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है, कि उनके बारे में मैं जा सकता था, मैं कोर्ट भी जा सकता था, मैं पुलिस के पास भी जा सकता था, लेकिन मैं वो कि मैं इतना जानता हूं, और दूसरा कि वो पब्लिक फिगर है, उनके बारे में मैं बोलने जाऊं तो लोग भी बोलेंगे कि आप क्या माइलेज के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि ये कहीं कभी ना कभी तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, मेरे पैसे तो मिल ही जाएंगे, मेरे पैसे कहाँ जाने वाले। आपने अपने पैसे मैं की इनको फोन, मेल, आपने मेल या जी आपने मैसेजेस किए, कॉल आप बता रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल मेल किया है उनको कि मेरे पेमेंट आप रिलीज करो, ये कब कब कोई कोई आपने मेल रिस्पॉन्स किए, नहीं। कौन सी कब कब आपने मेल किए? मैं तो बहुत, मैं एक नहीं किया, मैं मल्टीपल मेल्स किए हैं, तो उसके डेट अलग अलग है। मैं फ्रिक्वेंटली मेल करता था कि मुझे भी कंपनी चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो मुझे मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं चलाऊंगा कैसे, मुझे एम्प्लॉयज को पैसे देने हैं, मेरे बाकी जो कंपनी के खर्चे हैं, तो मैं उनको बार बार रिमाइंड करता था पेमेंट के लिए। तो उनका कोई जवाब आता था आपकी मेल का? जी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो आगे अब क्या मेल। देखते हैं और आप आगे क्या देखते हैं? हाँ जी, इसमें आगे अब तो उन्होंने उन्होंने इसको मीडिया पे लेके आ गए हैं कि अगर वो बात होती, आपस में बात होती, या उसकी चीजें होती, या फिर कोर्ट में भी जाते तो कोर्ट में जाते और ये मीडिया ट्रायल नहीं कराते तो एक तो अलग था। अब तो क्या, अब तो मेरे पास उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है, तो मैं भी लीगली मूव कर रहा हूँ, टीम मेरी काम कर रही है, इसको प्रोसेस कर रहे हैं कि चीजें हम कैसे करें, क्योंकि जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, अगर मैं गलत हूं तो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, अगर मैं गलत हूं तो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए कि मिहिर दिवाकर ने गलत किया है, जो सजा कोर्ट देगी मैं बिल्कुल रेडी हूं। लेकिन ये मीडिया से पब्लिक की जो ट्रायल करते हैं, इसमें परेशानी उमेश जी क्या हुई है कि परेशानी सिर्फ मेरी नहीं हुई है, मेरे से कनेक्टेड जितने लोग हैं, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त यार, मेरे बिजनेस पार्टनर्स, मेरे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, उनको समाज में बहुत सारा जवाब देना पड़ रहा है इसके वजह से। नहीं तो आप क्या करेंगे? देखिए वो ऑलरेडी जा चुके हैं आपके खिलाफ, आप क्या उनके खिलाफ करेंगे? कि मीडिया ट्रायल तो एक अलग चीज होगी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है जो हम लोग जाएंगे कि जो हमारा उन्होंने नुकसान कराया है, उसके उसके लिए जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल। हमको भारत के जुडिशरी और न्याय पे भरोसा है, और हमको पता है कि जो होगा वो न्याय ही मिलेगा मुझे, जो सही होगा उसके उसके साथ न्याय जरूर होगा, तो हम बिल्कुल जाएंगे, हम कोर्ट का सहारा लेंगे ताकि मुझे न्याय मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जुड़ने के लिए, और हम एमएस धोनी की टीम से भी उनका पक्ष जानेंगे, जो लीगल हैं उनके, चाहे वकील हैं उनकी टीम है, उनसे भी पक्ष जानेंगे, जो आपने भी कहा है कि आपने पैसे लेने हैं, तो तमाम जो कानूनी पेचीदगियां हैं। जी, बहुत थैंक बहुत शुक्रिया मेरे जी आपके जुड़ने के लिए। तो एमएस धोनी को लेकर जो यू वेरी बात चर्चा मच। की जी, उन पर हमने मिहिर दिवाकर का पक्ष जाना, और हम एमएस धोनी की टीम से भी उनका पक्ष जानेंगे, और आगे मामला किस तरह से बढ़ता है उस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।